हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के 8:45 हो गए हैं, आज है संडे। चाय भी बना ली है उठ के मैंने तो अपना। ये रही मेरी चाय, इनको अभी सोया हुआ है। बाकी आज का टू डू लिस्ट मैंने बना लिया कि मुझे क्या क्या काम करना है। हिसाब से प्लान है मेरा टोटली फुल पैक्ड आज संडे का। ऑयल किया बालों में तो हेड वॉश करना है, उसके बाद जो मेरे ग्रे हेयर हैं उनको कलर करना है। तो कलर कैसे करूँगी आप लोग को प्रॉपर दिखाऊँगी कि क्या यूज़ किया मैंने कलर करने के लिए, कितना यूज़फुल है। सुबह के 10 बज गए, नहा लिया मैंने, पोहा बनाने जा रही हूँ नाश्ते में। मम्मी रो रही है प्याज काट काट के, उनको आंसू आ रहे हैं आंखों में। अच्छा मैं हाय बोल डाल दूं से डाल। गाड़ी चल रहा है पानी है ना, इसलिए टूटा जाना नहीं। अच्छा वो रखा था ना, देखना ब्लॉगिंग के चक्कर में पूरा खांस तोड़ दिया। कटोरी में बादाम था, ये वो सब दिख रहा है। ध्यान से लाइट जला लो, सारा उधर का लाइट जला दो थोड़ा। मिंको उधर फ्रिज के अंदर भी गया है वहाँ पे। पोहा इस पे डाला है नमकीन ये वाला। इधर बन रहा अंडा मिंको और आशु के लिए। तो गाइस सबको ये प्रॉब्लम होती है, वाइट हेयर बहुत जल्दी हो जाते हैं। और वाइट हेयर को कैसे ब्लैक करें घर पे, वो भी सबसे कम प्राइस में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वाइट हेयर कैसे ब्लैक करें किया जाए। सबसे पहले हम लेंगे स्टिक्स का ये कलर, नेचुरल ब्राउन कलर, 4 नंबर शेड में है। इसका प्राइस है 60 रुपीज़, देख सकते हैं आप यहाँ पर। इस बॉक्स के अंदर आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट है आपका ये क्रीम, सेकेंड है आपका ये डेवलपर, थर्ड है आपका ये कंडीशनर है, प्लस एक और चीज़ है, फोर्थ चीज़ है इसके अंदर, तो ये है आपका ग्लव्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे डेवलपर में हमें ये क्रीम मिक्स करना है बहुत ही अच्छे से। ग्लव्स है तो हमको ग्लव्स पहनना है, जिससे कि हमारे जो हाथ है वो काले काले ना हो या कलर ना दिखे हमारे हाथों में। ये हमारा कंडीशनर, जिससे कि हमें अपने बालों में अप्लाई करना है। वो कब अप्लाई करना है मैं आपको आगे बताऊँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जब भी आप कलर करना स्टार्ट करें उसके पहले आपको अपने बाल को अच्छे से वॉश करना है। शैम्पू से बहुत अच्छे से वॉश करें अपने बालों को और अच्छे से ड्राई कर लें। विदाउट हेयर वॉश या ड्राई के आप इसको ना अप्लाई करें। मैं आपको दिखा देती हूँ, पिछले मेरे बाल ग्रे हो चुके थे, आंटी लग रही हूँ मैं, एकदम बूढ़ी आंटी छुट्टी। यूजुअली मैं नहीं करती हूँ कलर, बट लास्ट 2 मंथ से मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं इसको लगाने के लिए। सबसे पहले हम डेवलपर में अपना क्रीम मिक्स करते हैं, इसको इसमें मिक्स करते हैं। हो गया, डन डन डन। ऐसे जाएगा इसके अंदर। मुझे लग रहा बाउल में निकालना पड़ेगा, बाउल में निकाल लेती हूँ। इसके लिए मैंने कांच का बाउल रखा है, मेरे पास ब्रश है ये वाला, जिससे अप्लाई करेंगे। कांच के बाउल में लें, कभी भी अगर आप कलर यूज़ कर रहे हैं तो मेटेलिकल कोई भी चीज़ ना यूज़ करें, हमेशा कांच या फिर प्लास्टिक की बाउल यूज़ करें। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग टैंक है, फिश वाला काम चल रहा है इसका। तो मैं इन दोनों को अपने बाउल में डालूँगी। अब इसमें डालते हैं क्रीम। तो ये सारा मैंने क्रीम इसमें अच्छे से डाल दिया, अब इसको हम करेंगे मिक्स। इसके पहले मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ, हाथों में लग जाएगा। मेरे पास अपना पुराना ग्लव्स है, मैं वही पहनूंगी। करते हैं मिक्स, ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको लगाएंगे अपने बालों में।
बालों में लगाने से पहले आपको बालों को अच्छे से कॉम करना है और पार्टीशन करना है बालों का, जहाँ जहाँ आपको अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से अपना स्टार्ट करूँगी जहाँ से मेरे ग्रे हेयर स्टार्ट हो गए हैं। गाइस इस साइड मैंने बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया है अपना कलर, अब मुझे इस साइड अप्लाई करना है। ये ऐसे ही पार्टीशन कर करके आपको अप्लाई करना होगा जिससे कि आपके ग्रे हेयर जो हैं वो अच्छे से छुप जाए और जब आप वॉश करो तो ब्लैक हेयर में चेंज हो जाए। दोनों साइड बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया है क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे हैं तो मैंने पूरे बालों में नहीं लगाया, फ्रंट के जो बाल मेरे वाइट हो रहे थे उसको मैंने ब्लैक किया है। तो वॉश के बाद आपको कलर दिख जाएगा ब्लैक पूरा। बालों को टाई कर लें आप, पीछे अच्छे से बन बना लें। आप इस कलर को आपको 30 मिनट तक अप्लाई करके रखना है, 30 मिनट बाद आपको नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, देन आपको अप्लाई करना है कंडीशनर। तो आपसे मैं मिलती हूँ 30 मिनट के बाद। तो गाइस 30 मिनट कंप्लीट हो गए मेरे, मैंने हेयर वॉश कर लिया, नॉर्मल वाटर से वॉश किया है हेयर को। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा कहीं भी आपको ग्रे हेयर नहीं दिखेंगे कहीं भी। और इतना सज धज के बैठी हूँ क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम के लिए रील शूट करना था। प्लीज़ इग्नोर करिएगा बैकग्राउंड वाला म्यूज़िक, कभी आसपास कुछ ना कुछ चलता रहता है यहाँ पे। और इतनी सारी ज्वेलरी जो पहनी है सारी मेरे कलेक्शन की है, छोरी कलेक्शन, छोरी ज्वेलरी जो मेरा ब्रांड मैंने बनाया उसका है, जिसका इंस्टाग्राम पे पेज है। मेरा खुद का अपना ब्रांड है छोरी, जिसमें मैं सारी ज्वेलरी सेल करती हूँ, रीसेल का काम है मेरा ज्वेलरी का। तो प्लीज़ मेरे पेज को चेकआउट करिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी मैं, और स्क्रीन पर भी आप लोग को दिख रहा होगा जो इंस्टाग्राम का मेरा छोरी पेज है उसका आपको स्क्रीन पर नाम दिख रहा होगा। जाइए क्योंकि वहाँ पे हमने डिस्काउंट लगाया है, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे डिस्काउंट है मेरा। तो अभी ज्वेलरी पे बहुत सारी सेल चल रही है, तो ऑलरेडी हमने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया है वो जो सेल हमने अभी लाइव किया है। तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, तो पसंद आए तो प्लीज़ ऑर्डर करिए, आपको डिलीवरी आपके घर तक मिलेगी। इतना ब्यूटीफुल है ये कलेक्शन, देखो कितना प्रीटी लग रहा है ये ज्वेलरी। ये सारा शूट कर रही थी मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए, अभी और भी ज्वेलरी मुझे शूट करनी है। अगर कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा मुझे, आपके सारे क्वेश्चन और क्वेरी का मैं आंसर ज़रूर दूंगी। इतना पसीना हो रहा है, लाइट भी चाहिए, पंखा नहीं चाहिए, गर्मी हो रही बहुत है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो हेयर से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, जो मैंने कलर लगाया आप लोग को दिखाया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, मेंशन करिए, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। पौने तीन हो गया, भूख लग रही थी तेज़, अब खाना खाऊँगी उसके बाद फिर शूट कंटिन्यू करूँगी, बैठा नहीं जा रहा मुझसे। मम्मी ने फ्राई राइस बनाया है, पहले पेट पूजा उसके बाद काम पूजा। ये रहा मेरा लंच, फ्राई राइस, दही, पापड़, पहले खाऊँगी उसके बाद काम। शूट कर लिया, कानों में दर्द हो गया मेरे पहनते पहनते, 3 बजने वाले हैं, 3 बज गए हैं शायद, बैटरी में एकदम लो हो गई मोबाइल से, मुझे चार्ज लगाना पड़ेगा, जितना शूट किया उतना आज इनफ है। ये रही सारी ज्वेलरी, ये सारा यहीं पे रखा, यहीं से पहन रही थी। ये रहा सेटअप मेरा, यहाँ कैमरा था मेरा, मतलब फ़ोन यहाँ पर लगा था, ट्राइपॉड है मेरा, ये नहीं चलता मेरा लाइट नहीं चलता क्योंकि ऑलरेडी गिर के टूट चुका है तो लाइट नहीं जलती इसकी। बाकी मैं यहाँ बैठी हुई थी, चप्पल देखो हवाई चप्पल ही पहन के बैठी और ये सेटअप पूरा, ये सेटअप यहीं से यहीं उठा रही थी, यहीं अपना शूट कर रही थी। तो शूट डन है, अब जा रही हूँ चेंज करने, चेंज करके रेस्ट करूँगी, अब नहीं हो रहा मुझसे, थक गई बहुत। मैगी वुमन छोड़ो, मेरा फोन लाओ ना। तुम्हारा ये किससे तुम्हें दिखा रहा हूँ हैं? अच्छा क्या होता है, ये महंगा सामान है, सब नहीं छूना। टीवी का रिमोट अंदर है, क्या कर रहा है? सोते सोते लेके सो गया, लाल है।